बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। H&M पावर सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अरसलान नबील और मेरे साथ आज मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद अवैस। आज मैं मौजूद हूं आफ्ताब वेविंग के अंदर, जहां H&M पावर सिस्टम ने 120 किलोवाट का ऑनग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस सिस्टम की क्या डिटेल्स हैं, कितने वाट की सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं और कौन सी कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है, ये सारी डिटेल्स आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अवैस और सारी साइट हमें विज़िट करवाएंगे। इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो प्लेट इस्तेमाल की हैं वो जे सोलर की प्लेट इस्तेमाल की हैं 540 वाट की। हमारी जो टोटल प्लेट इस्तेमाल छत पे हुई हैं 120 किलोवाट के लिए, वो 224 प्लेट्स इस्तेमाल की हम लोगों ने। उसके लिए हम लोगों ने 50-50 किलोवाट के नॉक्स कंपनी के इन्वर्टर यूज़ किए हैं। इसमें जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है वो हमारे पास P2 लग्स यूज़ की हैं। इस पर हमारे एक स्ट्रक्चर पर दो प्लेटें लग सकती हैं, ठीक है। और अगर मजबूती की बात की जाए तो हम लोगों ने इसको बाकायदा तौर पर कंक्रीट किया है, ठीक है। और इसलिए किया कि फॉर एग्जांपल वो विंड प्रेशर आया था, क्योंकि ये देहाती एरिया है तो इसमें विंड प्रेशर काफ़ी सीन होता है, तो विंड प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इसको बाकायदा प्रॉपर कंक्रीट किया ताकि इसकी मजबूती वैसी ही रहे जैसे हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है। और हम लोग वायरिंग पे आ जाते हैं। इसमें बेसिकली जो हमने स्ट्रिंग्स बनाई हैं 14 स्ट्रिंग बनाई हैं। पर स्ट्रिंग जो प्लेट्स लगाई हैं हमने 16 प्लेट एक स्ट्रिंग को लगाई हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसके पर वोल्टेज देखें, एक स्ट्रिंग के वोल्टेज हमारे यहाँ वो 792 आ जाते हैं वोल्टेज, ठीक है। एक प्लेट के वोल्टेज होते हैं 48.9 कुछ होते हैं, ठीक है। और इस तरह पेयर होते हैं 13.7, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जब स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम लोग बेसिकली ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारे वोल्टेज हैं वो सीरीज में ऐड हो रहे हैं। इस तरह देख के हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जो हमारी पैनल की वायर्स होती हैं जो उससे आगे हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं वो हम थ्रू PVC पाइप ट्रंच में लेके जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रंच से जो हमारी मेन वायर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी इधर स्ट्रिंग्स बनी थी 14, वो सारी जाती हैं इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। यानी कि जो मेन जो स्ट्रिंग्स हमारी जाती हैं वो थ्रू ट्रंच जाती हैं इन्वर्टर के अंदर। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताता चलूँगा, हमारे प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने लाइटिंग रेस्टर यूज़ किया है। एज यू कैन सी दैट, जो फॉर एग्जांपल आसमानी बिजली आ जाती है देहाती इलाकों में ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने लाइटिंग रेस्टर यूज़ किया है। इन्वर्टर की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर जो इन्वर्टर यूज़ किए हैं वो नॉक्स कंपनी के लेटेस्ट मॉडल के इन्वर्टर यूज़ किए हैं, जो कि ग्रिड टाइप सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो हमारा जो इजाफी प्रोडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल हमारे जो सिस्टम है वो 100 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन आपका जो लोड है 80 किलोवाट है, तो ठीक है जो 20 किलोवाट है वो वाबडा को बैकअप कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट्स, ठीक है। वाबडा वो बाल में हमारे बिल में ऐड या माइनस करके हमारे जो इसमें यूनिट्स दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 20 यूनिट बने हैं वाबडा की तरफ से, वो आपको पे करता है या आपके बिल में से माइनस होकर आ जाते हैं। जी व्यूअर्स, आज हमने विज़िट किया 120 किलोवाट का इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जिसकी मुकम्मल डिटेल हमारे इंजीनियर ने आपके साथ शेयर की। आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए H&M पावर सिस्टम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँच सकें। अगर आप भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ कीजिए, और अगले प्रोजेक्ट तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।